ये कोई ऐसा मौका नहीं है कि आपके बीच में कोई भाषण दिया जाए, तकरीर की जाए। आज से 90 दिन पहले 29 तारीख को अप्रैल, आज ठीक 90 दिन आप लोगों को खबर मिली होगी, मुझे एक मुकदमे में 4 साल की सजा का ऐलान हुआ और फिर ये अब हाईकोर्ट से जमानत हुई और आज 90 दिन के बाद हम जेल से रिहा हुए हैं। इसमें आप तमाम लोगों की दुआ, गरीबों की बहुत काम है। ज़रूर मुश्किल हालात थे हमारे जैसे इंसान के लिए, लेकिन सब्र से काम लिया गया। ये इसके पीछे उनका जो मकसद है, जो बेचैनी है, वो आम आदमी भी समझ रहा है। इस मुल्क को आज़ाद हुए तकरीबन 77-78 साल हो गए, लेकिन इस मुल्क में जो दबंग लोग वो लोग आज भी गरीब और कमजोर को गुलाम की तरह सर झुका करके जिंदगी जीने के लिए मजबूर देखना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे सताए हुए लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं, उनकी मदद के लिए उनकी आवाज बन जाते हैं, और ऐसे लोगों के साथ इस वक्त जो दबंग किस्म के लोग हैं, जिनके पास धन दौलत की ताकत है, जिनके पास बाहुबल है और जिनके पास हुकूमत के अख्तियारात की नाजायज ताकत है, वो लोग खास तौर से पहचान कर करके ऐसे लोगों को, जिनको देख के गरीबों में, कमजोर लोगों में एक हिम्मत बन रखती है, ऐसे लोगों को किस तरह से बर्बाद कर दिया जाए ताकि गरीब डर जाए। ये सारी कार्रवाई जो हुई वो सिर्फ गरीब और कमजोर जमात के कतार के लोगों को डराने के लिए,